एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शुरू हो रहा है, मतलब व्लॉग बना रही हूँ। तो ये किया है आज हमने दिवाली की शॉपिंग, और क्या क्या की है वो मैं आपको अभी यहाँ से आके दिखाती हूँ। चार तो मन मन नाव चेचे दुए है के चंद्र कला चेचे दो मीन चार। आप बड़े पापा में बड़े बन कैसे हैं आप सब? तो काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि इतनी मतलब इतना ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल चला हुआ है। सुबह उठने के बाद से शॉप में मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी कि दुकान खोलने के बाद मेरी मतलब डेली रूटीन मतलब किस तरीके से चेंज हुए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल आज दिवाली की शॉपिंग के लिए गए थे हम, क्योंकि कल गाँव में शादी है, वैसे तो आज भी थी, तो कल घर वाले शादी पे जाएंगे और मुझे शॉप में जाना है, और दीपक है नहीं, कहीं गए हुए हैं, तो इस करके तो आज दिवाली की शॉपिंग करने के क्या क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। पीयू का कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि विहान विवान सब थे, ऊपर से रश भी था बहुत ज़्यादा, और फिर सामान भी बहुत सारा था, तो इस करके बाकी क्या क्या लाया वो मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे। और दिवाली के लिए मैंने स्पेशली ये सूट सिलवाया था, बट मैंने आज ही पहन लिया क्योंकि आज ही जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज ही पहन लेते, कल तो फिर मुझे शॉप में जाना है, तो इस करके बाकी ये वाला सूट मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और अभी क्या क्या सामान लाया वो मैं आपको दिखाती हूँ पहले बैक कैमरा करके, बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सब कैसे हो, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो इस करके बताना। बाकी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान हम लाए हैं दिवाली की। धनतेरस है तो बर्तन खरीदना तो बनता है, तो धनतेरस में हर साल हम कुछ ना कुछ लेते ही है, मतलब बर्तन लेते हैं, ऐसे सोना चांदी नहीं खरीदते, तो बर्तन है। तो ये तांबे की गिलासें लाए हम सबके लिए, तो तीन ही हमने बाहर रखी क्योंकि मम्मी मैं और दीपक, बाकी पापा तो कभी बैग शेक टका लेते, तो इस करके बाकी ये चीनी चाय पत्ती के लिए ये मैंने लाए, बहुत एयर टाइट कंटेनर है, बहुत अच्छा है, और पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा क्लासी सा लुक रहता है किचन में ये, और प्लस छन्नी भी ऑलमोस्ट ख़राब हो गया था और लाइटर भी मेरा ख़राब हो गया था, तो ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे, ये ले लिया। बाकी पराठे वगैरह बनाती रहती हूँ तो इसके लिए ये, तो एक दो चीज़ें ये हो गई, और ये बहुत सुंदर लगा मुझे, ट्रे का डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो ये दो कप चाय के लिए बहुत सुंदर है। बाकी एक ये वाला ट्रे लिया, और फाइनली मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया क्योंकि काफ़ी टाइम आपको पता है मैं चॉपिंग बोर्ड की जगह मैं चकला यूज़ करती हूँ, तो इस करके तो ये लिया है। और अभी और दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या लिया है, कि हमने और भी बर्तन लिए हैं, वो एक ये तांबे का ये मटका, और तीन गिलास यहाँ पे भी है, और ये चाय पीने के लिए बहुत सुंदर सुंदर से कप लगे डिज़ाइन वाले, तो ये भी ले लिया। और साथ ही साथ अभी बहुत खलारा पाया क्योंकि हम सुबह झाड़ू मार के गए थे, बाकी कुछ नहीं किया था, तो अब जाके हम करेंगे साफ़ सफ़ाई। ये चटाई ले दो यहाँ डालने के लिए, और ये हो गए, ये तो रज़ाई है गरम क्योंकि सर्दी हो चुकी है, तो ये ले लिया है गरम रज़ाई, प्लस हमारे कमरे के लिए चादर, दो चादर और लिए थे वो मम्मी लगा रहे अभी कमरे में, थोड़ी देर में दिखाती हूँ। बाकी यहाँ पे बच्चों के कपड़े, तो बच्चों के कपड़े मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, ये है प्लस यहाँ पे भी है, तो ये बच्चों के कपड़े यहाँ पे, तो ये मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊँगी कि बच्चों के लिए हमने क्या क्या खरीदा। तो भाई साहब ने कार भी खरीदी है, तो ये बच्चों के लिए कपड़े हो गए, और ये हो गया बेडशीट। अब मैं आपको एक एक करके बैठ के नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, मुझे शॉप भी खोलनी है अभी जाके। हाँ, बंदूक भी लाया सेल लगाना इसमें, और प्लस ये वो है पर्दे हैं हॉल के लिए, स्पेशली हॉल के लिए, इस बार हर साल आते हैं हम पर्दे दिवाली पे, तो ये हॉल के लिए लाए हैं इस बार। और ये कुछ कैंडल्स हो गए, ये मिठाई है बहुत सारे, और प्लस ये मैं शॉप के लिए लाई हूँ लाइट्स, क्योंकि यार मैं आपको बैठ के दिखाने लग जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं आपको फटाफट जो जो मुझे दिख रहा है वो दिखा रही हूँ, तो ये शॉप के लिए लाई हूँ, बाहर लगाऊँगी अभी जाके। और ये घर के लिए लाइट्स इसके अंदर, ये भी लगाऊँगी कल ही लगाऊँगी, और फिलहाल
फिलहाल तो यही शॉपिंग की है। तो फिलहाल जो है ये सब शॉपिंग की है, और शॉप के लिए मुझे ये लाइट्स बहुत पसंद आए तो मैंने सोची ये ले लेते हैं, तो ये शॉप के लिए लिए। बाकी ये सब सामान है और थोड़ा बहुत और है वो मम्मी चले गए अब डालने के लिए, जैसे चादर वगैरह हो गया बहुत कुछ, तो ये सब। और आपको हमारी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके बताना, और बच्चों के साथ गए थे तो इतना प्रॉपर शॉपिंग भी नहीं हो पाई है, पर चलो जो भी हुआ थोड़ा बहुत किया। बाकी मुझे आपको ये लाइट्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो ये। और पर्सनली मुझे एक ये चीज़ पसंद आई है वो है ये ट्रे, जो बहुत सुंदर है दो आदमी मतलब दो जनों के लिए, ठीक है चाय के लिए, तो बहुत सुंदर है। इसका डिज़ाइन कलर भी बहुत अच्छा है, बट इसमें इतना मतलब निखर के कलर नहीं आ रहा, बट बहुत सुंदर है। और बाकी अब यहाँ से आगे मैं आपके साथ ब्लॉग शूट करूँगी, कि अभी हम ये सब डालेंगे, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी, फिर शॉप पर जाऊँगी, और क्या क्या रहेगा वो सब आपके साथ यहाँ से आगे शेयर होगा। आज का ब्लॉग में भी आज मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो दिवाली से एक दिन का पहले का ब्लॉग है, तो देखते हैं क्या रहता है। बहुत चपट चपट कर लिया, पहले काम करते हैं फटाफट से, फिर चलते हैं शॉप पे, क्योंकि शॉप बंद है और दीपक नहीं है इस करके, अदरवाइज दीपक होते तो फटाफट ये काम कर लेते हैं, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. तो अभी मैं आपको वन बाय वन विहान और विवान के कपड़े दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं उनके लिए लाई हूँ, और थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ। टफी भी, हेलो टापू, टापू भी हमें देख के आ गए। बाकी दिखाती पहले इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, बहुत अनकम्फर्टेबल हो गया अभी तक ये। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बच्चों के लिए क्या क्या रखे हैं। तो पहले तो ये जैकेट हो गया ब्लू कलर में, तो ये हो गया सेम विहान विवान दोनों का, हर चीज़ सेम ही रहता है, ये सेम ही है जैकेट, तो इस टाइप की जैकेट है दोनों की। और ये हो गए दो जैकेट, और पहले भी इतने दूर पड़े कि मुझे लाने जाना पड़ रहा, चलो तो ये हो गया। और दोनों के लिए सेम हाईनेक भी लाए, ये हर चीज़ सेम सेम ही पहनाती हूँ, तो थोड़ा सेम सेम ही रहता है। वाइट कलर में ये है, कल पहनाऊंगी मैं दोनों को दिवाली पे नए कपड़े। तो ये हो गए दो हाईनेक, और फिर अगेन दोनों का फिर सेम ही रहता है। ये हो गए सॉक्स दोनों के लिए, दो दो पेयर है दोनों के लिए सॉक्स का। और उसके बाद जो है सर्दी आ गई तो सॉक्स भी मोटे मोटे लगेंगे। और अगेन एक विहान के लिए ये लिया है ट्रैक सूट टाइप का, बट विवान को नहीं मिला, क्योंकि विवान के साइज़ का तो छोटा नहीं मिलता, तो इस करके विवान को नहीं मिला। कलर बहुत अजीब सा दिख रहा है इसमें, अदरवाइज बहुत सुंदर है। फोटोज़ अगर मैं पहनाऊँगी तो शेयर करूँगी, अगर नहीं पहनाए तो कल लग जाएगा पता आपको। तो ये इस टाइप का जो है ये विहान का है, तो ये हमने बच्चों के लिए लिया, बट हमने अपने लिए नहीं लिए, क्योंकि हम जो मैंने ये सूट पहना है मैंने ये सिलवाया था दिवाली के लिए, और हमने अपने कपड़े ले लिए। बाकी दीपक ने जो नया खरीदा था वो दीपक पहन चुके हैं, तो बच्चों के लिए शॉपिंग नहीं हुई थी, तो बच्चों के लिए शॉपिंग कर लिया है। बाकी फ़िलहाल तो विहान का शोर आ रहा है पीछे से बहुत ज़ोरों से, और इतना सारा काम भी है वो कर लेते हैं। और आपको बच्चों के कपड़े कैसे लगे, आपको मेरी शॉपिंग में क्या अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना। बाकी काम कर लेते हैं फटाफट से, और मिलते हैं थोड़ी देर। विहान को पहना दिया, और विहान को, विहान खुद भी बहुत खुश है। ओह अच्छा लगा टिम टिम, कैसा है? तो ये लव विहान का, अगर शूज़ डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, वाइट शूज़ स्पेशली। बाकी फ़िलहाल तो भाई साहब अपनी गाड़ी खेल रहे हैं, और ये खिलारा जो पाया है इसको मैं पहले उठा लेती हूँ, और उसके बाद सारा कुछ। A few moments later. Hey everyone, good evening. तो अभी टाइम की बात करूँ तो 6:30 हो रहे हैं, और फिलहाल जो है मैं शॉप में बैठी हूँ, और जब से मैं ब्लॉग शूट करूँ तब कोई ना कोई आ रहा है, और फिर मेरा ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। और भाई साहब आ गए, क्या चाहिए क्या चाहिए इसको तुझे? तो इस तरीके से जब भी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो कोई ना कोई और आ रहा है, फिर एक आदमी आ रहा है। कितना का उनको देखो, खोलेगा क्या नहीं बोला काफी सारे लोगों को दरवाजे का आइडिया नहीं लग पाता, उन लोग दूसरी साइड से दरवाजा खोलते हैं, तो एक अंकल भी दूसरी साइड से दरवाजा खोलेंगे। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग यही करती हूँ, कि अगर ऐसा ही रहा, कस्टमर आते ही रहे तो ब्लॉग
पूरा नहीं हो पाएगा और एडिट भी करना है मेरे को और अपलोड भी करना है आज का आज ही। तो आपको आज की मेरी शॉपिंग कैसी लगती वो मुझे कमेंट करके बताना, बाकी कोई ना कोई कस्टमर आ ही रहे तो इससे पहले कोई और आके फिर कुछ मांगे तो इससे पहले अपने व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। मिलते आपसे कल दिवाली वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।